ये राजीव जी, असल में जिन सज्जन ने ये पोस्टर लगवाया है आईपी सिंह साहब ने, वो प्रेरणा जो है वो उनके स्रोत पहले मोदी जी रहे हैं। तो वो इतनी लंबी प्रेरणा जो है मोदी जी से प्राप्त करते हैं, चूंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, आईपी सिंह जी बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, योगी जी के बहुत नजदीकी थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कुछ मोदी जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उनको निकाल के बाहर कर दिया गया था, तो फिर समाजवादी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो प्रेरणा लंबी है उनकी, और अच्छी प्रेरणा है। मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणा उनके पास रहनी चाहिए, और इस तरीके की जब तक प्रेरणा नहीं होगी, जब तक आप नारा नहीं देंगे, तब तक उस नारे पे आप काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो जब तक लक्ष्य आपके सामने नहीं है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप काम भी नहीं करेंगे। तो ये इस हिसाब से नारा बहुत अच्छा है कि आपने लक्ष्य तय कर दिया कि यूपी और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देना है। लेकिन अब सवाल ये है राजीव जी, कि ये नारा तो बहुत अच्छा है कि यूपी और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देना है। नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं कि हम बिहार में जो है दाई में नहीं पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार सिर्फ अकेले अपने दम पे नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो वहां 7 दलों का गठबंधन बना है, उसके दम पे कह रहे हैं, जब उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल भी है, उनके साथ कांग्रेस भी है, उनके साथ भाकपा माले भी है, माकपा भी है, भाकपा भी है, हम भी है, और मुकेश सहनी भी है साथ में, वीआईपी भी है। तब इस दम के आधार पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप जो है दाई में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि जिसके बल पे जो है ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी दाई पे नहीं पहुंच पाई। ये समीकरण जो अभी सामने आना बाकी है, उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि यूपी और बिहार से और गई मोदी सरकार। तो अकेले अखिलेश यादव का नीतीश कुमार के साथ आ जाना जो है, वो मोदी सरकार की जाने की गारंटी नहीं है। मोदी सरकार की जाने की गारंटी तब होगी जब बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी जाए, उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी जाए, मध्य प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी जाए, राजस्थान से भी भारतीय जनता पार्टी जाए, गुजरात से भी जाए, कर्नाटक से भी जाए, और महाराष्ट्र से भी जाए। तो जो अभी सामने चीजें दिख रही हैं, उसमें महाराष्ट्र से जाती हुई दिख रही है, बिहार से जाती हुई दिख रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सब जगह हालत खराब है, कर्नाटक में बहुत ज्यादा हालत खराब है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है, मैं अभी भी कहूंगा कि अकेला ऐसा राज्य ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज की तारीख में उस तरीके से खराब नहीं कही जा सकती जैसे और राज्यों में खराब कही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा नया गठबंधन बनेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को आप रोक सकें, इसका ब्लू प्रिंट जो है वो सामने आना चाहिए। तो वो ब्लू प्रिंट अभी कोई मुझे लगता है कि सामने नहीं है। जब तक कि ये ब्लू प्रिंट सामने नहीं हो, नीतीश कुमार अगर चेहरा बनते हैं गैर भाजपा विपक्ष का, और जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं, एक ही मोर्चा होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो क्या अखिलेश यादव इस पे तैयार हैं कि एक ही मोर्चा होगा? अभी तो इस पे स्थिति स्पष्ट हो रही है कि एक ही मोर्चा है कि नहीं है। अगर वो एक मोर्चा है तो एक मोर्चा होकर मिलकर चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, और मिलकर के भी नहीं लड़ रहा है तो आपस में कोई कटुता तो नहीं है। इस पर मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव हुआ, वो ईवीएम में क्या गड़बड़ी हुई और प्रशासन ने क्या गड़बड़ी की, उसको अलग छोड़ दीजिए, वो तो मसला है ही, वो तो रहेगा ही। वो तो जब तक कि सारे विपक्षी दल इस पर एकजुट नहीं होते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तब तक वो मसला बना रहेगा। तो उसको होते हुए भी जो आंकड़े निकल करके आते हैं, उसके आधार पर भी जो है अब क्या परिस्थितियां बनेंगी, ये देखने वाली चीज होगी। नीतीश कुमार कितना उत्तर प्रदेश में ध्यान देंगे, कितना उत्तर प्रदेश के अंदर वो आकर के काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनका लाभ लेगी, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं बार बार कहता रहा हूं कि विपक्षी दलों को हर तरीके से अपना अहम जो है वो एक किनारे रखना होगा, तब जाकर के कोई बात बनने की स्थिति होगी। नारा बहुत अच्छा है, इस पर काम होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार अगर मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को दहाई के आंकड़ों में निपटा देते हैं, तो अपने आप चली जाएगी मोदी सरकार, फिर कहीं कुछ कोई आवश्यकता ही नहीं, चूंकि सबसे ज्यादा ताकत जो भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं दो राज्यों से है एक तरीके से कहा जाए, और यही इनका इनका दम है। लेकिन इस पे दम पे जो जैसे बिहार में काम हुआ है, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नए समीकरण बनने हैं, इस पे भी मुझे लगता है ये काम होना चाहिए, तब जाकर के इस पे असली तरीके से काम होगा। जी राजीव जी, उत्तर प्रदेश में ये नारा जो जिस नारे की हम बात कर रहे हैं, क्या ये नारा जो है उत्तर प्रदेश में कुछ